हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। तो एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि सुबह उठकर मिस्टर फांग सियाओकी को अपने पास देखती है। वो सरप्राइज हो जाते हैं, फिर उसे याद आता है कि कल सियाओकी ही उसे घर लेकर आई थी। उसके बाद मिस्टर फांग उसको ब्रेकफास्ट के लिए बोलते हैं और खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इसके बाद सियाओकी घर जाती है। वहाँ पे मिस शाय और रियोबो उसका वेलकम करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर फांग और सियाओकी अब कपल बन चुके हैं। लेकिन सियाओकी बताती है कि वो अभी तक कपल नहीं बने हैं। इसके बाद सियाओकी खाना डिलीवरी करने मिस्टर फांग के ऑफिस जाती है, जहाँ मिस्टर कैंग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर फांग जब सियाओकी और मिस्टर कैंग को बात करते देखते हैं, तो उसे लगता है कि सियाओकी ही उसकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर कैंग को देती है। जब मिस्टर फांग सियाओकी से पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, तो सियाओकी को लगता है कि मिस्टर फांग उसके मिशन के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिससे मिस्टर फांग का शक और बढ़ जाता है। उसके बाद मिस्टर फांग सियाओकी को ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं, जिससे अगले दिन सियाओकी को ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती है। अगले सीन में सियाओकी मिस्टर फांग को मनाने के लिए खाना बनाती है, लेकिन वहां आग लग जाती है। तभी मिस्टर फांग वहां आते हैं और आग को बुझाकर सियाओकी को अपने घर ले आते हैं। सियाओकी की रिंग गलती से निकल जाती है, जिसे मिस्टर फांग उठाते हैं, तो उसे अपने और सियाओकी के साथ वाले सारे मोमेंट्स दिखने लगते हैं। फिर सियाओकी रिंग ले लेती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर फांग कहीं जा रहे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है, जिससे वो अपनी सारी मेमोरी भूलने लगते हैं। लेकिन उसे एक चीज़ याद आती है कि उसने सियाओकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। इससे वो बहुत कंफ्यूज होते हैं और सोचने लगते हैं कि उसका और सियाओकी का क्या रिलेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।